ठीक है, उसमें प्रसाद का जो चैप्टर था वो लगभग समाप्त हो गया है, उसमें न्यूमेरिकल भी आपको बताए गए हैं, कुछ कई न्यूमेरिकल बताए गए हैं, एक और बचा हुआ है उसको देख लेते हैं, फिर अगले चैप्टर पर आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, -30 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ को, -30 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ है, -30 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ को 45 डिग्री सेल्सियस के 45 डिग्री सेल्सियस के 10 ग्राम जल में मिलाया जाता है, ठीक है ना, एक ऊष्मा मापी में मिलाया जाता है, एक ऊष्मा मापी बर्तन है, आप जानते हैं इसके बारे में कि ऊष्मा मापी बर्तन जो होता है वो तांबे का होता है, उस तांबे के बर्तन के भीतर 10 ग्राम जल लिया गया, उसका तापमान था 45 डिग्री सेल्सियस, और 5 ग्राम बर्फ है इसका तापमान जीरो पर नहीं है, -30 पर है, -30 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान है, मिला दिया गया दोनों को, ऊष्मा मापी का जल तुल्यांक नगण्य है, ऊष्मा मापी का जल तुल्यांक नगण्य है, इसका मतलब कि ऊष्मा मापी कोई भी ऊष्मा नहीं ले रहा है, मतलब जो तांबे का बर्तन हमने कल बताया था आपको कि जिस बर्तन में आप रखेंगे उस बर्तन का तापमान भी जल के तापमान के बराबर हो जाएगा, ऐसे आपने रख दिया 45 डिग्री सेल्सियस का जल भर दिया उस बर्तन में तो उस बर्तन का तापमान भी वही हो गया, ठीक है ना, उसका तापमान बढ़ाएंगे आप जल का तो बर्तन का भी बढ़ेगा, लेकिन यहां पर ये अज्यूम किया गया है कि ऊष्मा मापी का जल तुल्यांक नगण्य है, वह खुद ऊष्मा नहीं ले रहा है, तो ऊष्मा देने लेने वाला काम किसका होगा, जो गर्म जल हमारा है वह ऊष्मा देगा और जो बर्फ है वो ऊष्मा लेगा, केवल दोनों के बीच ही अंतःक्रिया हो रही है, इसमें तीसरा कोई नहीं है, ठीक है। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा दी गई है, बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा है क्या है ये, इसको नोट कर लेंगे आप, 0.55 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद गुप्त ऊष्मा है किसकी, बर्फ की, बर्फ की जो गुप्त ऊष्मा है वो 80 कैलोरी प्रति ग्राम, ये बर्फ की गुप्त ऊष्मा है, ठीक है। जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 है, ये जल की जो विशिष्ट ऊष्मा है यह 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये 3 चीजें दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए प्रश्न पे एक बार फिर ध्यान दीजिए, बस तुरंत समझ जाएंगे क्या करना है इसमें, कि -30 डिग्री सेल्सियस तापमान की है ना 5 ग्राम बर्फ है, उस बर्फ को क्या किया गया, डाल दिया गया माफ कीजिएगा 10 ग्राम जल में, उस जल का तापमान क्या है 45 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा इसमें ऊष्मा देने वाला कौन है, ऊष्मा देने वाला है जल, ऊष्मा देने वाला कौन है जल, जल ऊष्मा देगा, ऊष्मा लेने वाला कौन है बर्फ, इसमें ऊष्मा लेने वाला है, ठीक है ना। तो ऊष्मा कितना दी गई जल के द्वारा वो हम देख लेंगे, भाई जल कितनी ऊष्मा देगा, इसका तापमान 45 है, बहुत होगा तो ये घट करके 0 तक पहुंचेगा, है ना, उतना ऊष्मा देगा वो, और जो बर्फ मारी है इसका तापमान 0 नहीं है, यहां पर ध्यान देना इस चीज को, बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, बल्कि बर्फ का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस है, तो जब ऊष्मा ये पाएगा तो पहले बर्फ का तापमान -30 से बढ़ के -29 होगा, -20 होगा, -10 होगा, -5 होगा, 0 पे आ जाएगा, जब 0 पे आएगा उसके बाद तब ऊष्मा जब उसको और मिलेगी तब 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जो बर्फ है वह गुप्त ऊष्मा लेकर के 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल में कन्वर्ट होना शुरू करेगी, तो पहले तो -30 डिग्री सेंटीग्रेड का जो बर्फ है उसका तापमान बढ़ते बढ़ते 0 पर आएगा, पहले तो -30 से 0 पे आए तब 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जो बर्फ है वह उसी ताप के जल में कन्वर्ट होगी, अब पूरी गुप्त ऊष्मा पा जाएगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी जल में, तो पूरा जब जल बन जाएगा
उसके बाद तो अगर और अधिक ऊष्मा मिलेगी उसको बची रहेगी ऊष्मा, तो उसी ऊष्मा का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ करके 1 होगा 2 होगा, तब जल का तापमान बढ़ेगा 10 होगा 20 होगा 50 होगा 100 होगा, उबलना शुरू कर देगा। ठीक है ना, जितना ऊष्मा पाएगा वही ऊष्मा उतना यूज करेगा वो। तो ऊष्मा वो पहले क्या करेगा, पहले वो अपना तापमान -30 से बढ़ाकर के 0 तक ले आएगा। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि उसका तापमान -30 से बढ़ाकर 0 तक आने में कितनी ऊष्मा उसको चाहिए। अगर अवस्था परिवर्तन नहीं होता है तब दी गई ऊष्मा के लिए या ली गई ऊष्मा के लिए सूत्र क्या लगता है, ms डेल्टा t, और जब अवस्था परिवर्तन होता है तब सूत्र लगता है u = ml, है ना, ये दोनों डिफरेंस है। तो इसका तापमान, बर्फ का तापमान जब -30 से लेकर के 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आएगा, अर्थात तापमान में 30 की बढ़ोतरी होगी, तो कितनी ऊष्मा उसको चाहिए वो देख लेते हैं हम। सूत्र हो जाएगा Q1, ये ऊष्मा की जो मात्रा एब्जॉर्ब है उसको हम Q1 से शो कर रहे हैं, तो Q1 = हो जाएगा ms डेल्टा t, m की वैल्यू हो जाएगी 5 ग्राम और s की वैल्यू हो जाएगी बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा, ये दी गई है 0.55 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी का मान हो जाएगा 30, क्योंकि वो -30 है, -30 बढ़ के 0 पे जाएगा, तो घटाएंगे आप 0 में से -30 मतलब +30 आएगा। ठीक है, ये आपको आपका हो गया, यहां पर हो जाएगा 5 × 5.5 हो जाएगा, ये 0 आप यहां लेंगे तो 5 × 15 हो गया, 15 × करेंगे 15×75 और 15×75 और 7 = 82, 82.5 कैलोरी ऊष्मा जो है वो इसको मिल जाएगी, 82.5 कैलोरी ऊष्मा मिल जाएगी, तब जाकर के ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ बनेगा, ये अभी ये जल में कन्वर्ट नहीं हुआ, अभी बर्फ का बर्फ ही रह गया है। ठीक है, अब इसको फिर ऊष्मा चाहिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ से, इसको बनना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल बनना है इसको। ठीक है, तो सूत्र लगेगा Q2 = ml, Q2 = ml, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही 5 ग्राम बर्फ है वो 5 ग्राम जल बनेगा, जितना ग्राम बर्फ उतने ग्राम जल बनेगा, 5 ग्राम बर्फ तो 5 ग्राम जल। ठीक है, l की वैल्यू क्या है, 80 पूरा कर देंगे आप, हो जाएगा 400 कैलोरी, 400 कैलोरी ऊष्मा इसको चाहिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल में बदलने के लिए। कुल कितनी ऊष्मा चाहिए इसको, कुल ऊष्मा जो -30 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए, यहां पर बर्फ में था वो, यहां से पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ बना, फिर यहां से कन्वर्ट हो जल बना, कुल उसमें चाहिए उसको 400 + 82.5, तो 482.5 डिग्री, माफ कीजिएगा कैलोरी, इतनी ऊष्मा उसको चाहिए। अभी ऊष्मा और भी चाहिए, अगर तापमान बढ़ाना होगा तो जल का तापमान बढ़ेगा फिर आगे, पहले अब ये देखेंगे हम कि यह कितनी ऊष्मा देगा, ये देने वाला भी देख लीजिए, जल द्वारा दी गई ऊष्मा, सूत्र लगेगा Q = ms डेल्टा t, कितनी ऊष्मा देगा ये, m का मान है 10 ग्राम, s का मान है 1, यहां पर जल की जो विशिष्ट ऊष्मा है पहले से दी गई है 1 है, यह बात कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा टी तापमान क्या है इसका, 45 है, और 45 तापमान ऊष्मा देगा तो घटे घटते घटे 0 पे आएगा। हम देख रहे हैं ये कि ये जो हमारा जल है ये जल पूरा ऊष्मा दे दे, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल बन जाए, तो कितनी ऊष्मा ये प्रोवाइड कराएगा, तो 45 से घट के 0 पर आने पर ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान जो है गिरेगा इसका, तो कुल ऊष्मा हो जाएगा 450 कैलोरी। अब आप देख रहे हैं कि जो जल हमारा है वो ऊष्मा देते देते उसका तापमान घट के 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, अब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल खुद बन गया, सब ऊष्मा दे दिया उसने और वो बन गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल, कितनी ऊष्मा दिया, 450 कैलोरी, और जो हमारा यहां पे था ये 482.5 कैलोरी उसमें पाएगा तब यह 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल बनेगा। इसका मतलब कि इसको उसमें पूरी नहीं मिल पा रही है,
पूरी नहीं मिली, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि ये या उष्मा तो पा गया, कहने का मतलब कि 0°-30 पे तो आ गया, बर्फ बन गया, लेकिन बर्फ बनने के बाद पूरी उष्मा 400 कैलोरी नहीं पाएगा वो, उसमें से ये जो 82 पॉइंट माफ कीजिएगा जो घटेगा 32.5 कैलोरी घट रही उष्मा, उतनी उष्मा को कम मिल रही है, तो जो बर्फ हमारी है वो पूरी बर्फ नहीं पिघलेगी, थोड़ी बर्फ बची रह जाएगी। बात क्लियर हो गया? ये 482.5 कैलोरी उसमें पाएगा, तो इसमें 82.5 तो पा गया -30 से 0 पे आने के लिए, और जो 400 कैलोरी उसमें है ये पूरी उसमें पाएगा कि पूरी बर्फ पिघल करके जल बनेगी, लेकिन 400 पूरा नहीं पा रहा है क्योंकि 450 कैलोरी उसमें ही मिल रही है हमको। इसका मतलब कि जो 32 दोनों का जो डिफरेंस है 32.5 कैलोरी उसमें की मात्रा कम मिल रही है, जो हमारी बर्फ है इसको पूरा पिघलने के लिए जल बनने के लिए पूरी उष्मा नहीं प्राप्त हो पा रही है, इसलिए पूरी बर्फ नहीं पिघलेगी। अब अगर पूछा जाए कि मिश्रण का तापमान क्या होगा, तो मिश्रण का तापमान क्या होगा? 0°C होगा, क्योंकि ये तो पूरी उष्मा दे दिया, ये बन गया तापमान 0°C इसका हो गया। यहां पर क्या है, जो जल पिघला हुआ है उसका भी तापमान 0°C है, जो बर्फ नहीं पिघली है उसका भी तापमान 0°C है, तो सबका मिला करके पूरा तापमान क्या होगा? 0°C। तो 0°C मिश्रण का तापमान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरी बर्फ नहीं पिघलेगी, बर्फ के पिघलने के लिए पूरी आवश्यक ऊष्मा जल से नहीं प्राप्त हो पाएगी, क्योंकि जब जल का तापमान खुद 0 हो गया, अब उसके पास ऊष्मा देने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है, संपूर्ण ऊष्मा दे करके वह उसी के लेवल में आ गया है। जब दो वस्तुओं का तापमान बराबर हो जाता है तो ऊष्मा का आदान प्रदान रुक जाता है। ठीक, चलिए अगला चैप्टर शुरू कर देते हैं। ऊष्मा स्थानांतरण अगला चैप्टर है हमारा। ऊष्मा स्थानांतरण जो है क्या है, कौन कौन सी विधियां हैं, ऊष्मा स्थानांतरण के कौन कौन से उपयोग है, एक बार ऊष्मा पूरा पढ़ा देंगे आपको, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे ऊष्मा से संबंधित, चाहे जो भी क्वेश्चन आएगा आगे भी आप नहीं भूलेंगे, जो बताएंगे उतना ध्यान दीजिएगा। तब ऊष्मा है, आगे आपको तरंग मिलेगा, ठीक है, वेव्स जो है वो मिलेगी, फिर ध्वनि के चैप्टर मिलेंगे, जो भी चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आगे बहुत काम में आएंगे आपके, ठीक है, इसलिए जो भी कॉन्सेप्ट जो है बताएं उसको बिल्कुल ध्यान से समझा करिए। देखिए ऊष्मा स्थानांतरण या हीट ट्रांसमिशन क्या है, आप जानते हैं कि ऊष्मा अगर उसके लिए अनुकूल माहौल मिल जाए तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। तो ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना ही ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है या ऊष्मा का संचरण कहलाता है, ऊष्मा का स्थानांतरण या ऊष्मा का संचरण कहलाता है। उत्पन्न होने वाली ऊष्मा आप जानते हैं कि जब दो वस्तुओं के बीच तापांतर होता है तभी ऊष्मा का संचरण होगा। ऊष्मा के संचरण के लिए एक आवश्यक प्रतिबंध है कि ऊष्मा स्थानांतरित तभी होगी जब एक जगह का तापमान कुछ ऊंचा होगा दूसरी जगह तापमान नीचा होगा, एक आवश्यक प्रतिबंध है। जैसे एक जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो, वायु दाब ज्यादा हो, एक जगह पर वायु दाब कम हो तो हवा अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की तरफ चलेगी, अपने आप चलेगी, लेकिन अगर डिफरेंस ना हो तो फिर हवा का ट्रांसफर जो है एक स्थान दूसरे स्थान पे नहीं हो सकता। वैसे ही हीट की बात है, जब दो वस्तुओं के बीच ताप में अंतर होता है तभी ऊष्मा का ट्रांसफर होता है। अब यह निर्भर करता है कि ऊष्मा अगर संचरित हो रही है या आ जा रही है तो यह कितनी विधियों से आ जा सकती है।
तो बहुचर्चित विधियां हैं, नाम आप पहले जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। चालन, संवहन और विकिरण। ऊष्मा संचरण की तीन विधियां हैं, पहला है चालन, दूसरा है संवहन, तीसरा है विकिरण। पहला है चालन, कंडक्शन कहते हैं इसको, दूसरा है विकिरण संवहन, इसको कन्वेक्शन कहते हैं, और तीसरा है विकिरण, इसको रेडिएशन कहते हैं। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये तीन विधियां हैं ऊष्मा के संचरण की। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाए तो यह इन तीन विधियों के माध्यम से पहुंच सकती है। ऊष्मा जो चालन विधि है, ऊष्मा के चालन की विधि ऐसी विधि होती है जिसमें ऊष्मा स्रोत जो होता है, जो ऊष्मा दे रहा है, ऊष्मा स्रोत अपने स्थान पर स्थिर होता है और ऊष्मा प्राप्त करने वाले जो कण होते हैं वह भी अपने स्थान पर स्थिर होते हैं। दोनों अपने स्थान पर स्थिर होते हैं, लेकिन ऊष्मा का स्थानांतरण एक के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे में, हर कण अपने स्थान पर स्थिर रहते हुए संपूर्ण ऊष्मा जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। ऊष्मा स्थानांतरण की जो पहली विधि है ऊष्मा, ये चालन विधि कहते हैं उसको, हम कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन जो विधि है ऐसी विधि होती है जिसमें ऊष्मा स्रोत और ऊष्मा प्राप्त करने वाले जो कण होते हैं वह अपने स्थान पर स्थिर रहते हुए संपूर्ण पदार्थ में ऊष्मा का संचरण हो जाता है, ऐसी विधि को हम चालन कहते हैं। और ऊष्मा संचरण की जो चालन विधि होती है यह ठोसों में होती है, यह केवल केवल ठोस में होती है बस। अभी एग्जाम्पल सब आपको देंगे, इसमें ठोस में होती है ऊष्मा संचरण की जो चालन विधि होती है यह ठोस में होती है। संवहन जो विधि होती है, ऊष्मा संचरण की जो दूसरी विधि है संवहन है, जिसको आप कन्वेक्शन कहते हैं, इसमें ऊष्मा स्रोत तो अपनी जगह पे रहता है लेकिन ऊष्मा प्राप्त करने वाले कण उसके पास स्वयं जाते हैं, ऊष्मा प्राप्त करने वाले कण उसके पास स्वयं जाते हैं और ऊष्मा लेकर के पुनः अपने स्थान पर वापस लौट आते हैं, फिर दूसरा कण जाएगा वो भी ऊष्मा लेकर वापस मतलब लौट आएगा। कहने का मतलब ऊष्मा स्रोत के पास कणों का समूह जाता है और ऊष्मा प्राप्त करने के बाद अपने स्थान पर वापस चला आता है। तो जिसमें ऊष्मा प्राप्त करने वाले कण गतिशील हो जाए, ऊष्मा स्रोत स्थिर रहे, ऐसी विधि को हम कहते हैं संवहन विधि या कन्वेक्शन कहते हैं। ऐसी विधि जो है वह ठोसों, माफ कीजिएगा, द्रव में होती है, यह संचरण विधि द्रव में होती है और गैसों में भी होती है, द्रव और गैस दोनों में होती है। जो फ्लूइड होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, उन द्रवों और गैसों दोनों में यह विधि काम में लाई जाती है, संवहन विधि कहते हैं इसको। तो पहली विधि हमारी क्या है, चालन विधि है, दूसरी विधि कौन सी है, संवहन विधि है, तीसरी विधि जो है वह विकिरण विधि है या रेडिएशन है। रेडिएशन विधि में क्या होता है, स्रोत और जो माध्यम के कण है, स्रोत और जो प्राप्त करने वाले कण है, यह दोनों कण अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं लेकिन दोनों दूर दूर रहते हैं। जैसे हमने ये भी बताया आपको कि चालन विधि में क्या होता है कि स्रोत अपनी जगह पर रहता है और जो प्राप्त करने वाले कण है वह भी अपनी जगह पर रहते हैं लेकिन दोनों संपर्क में रहते हैं। जैसे लोहे की छड़ को आप जब भट्टी में डालते हैं तो दूसरा सिरा उसका गर्म हो जाता है क्योंकि एक सिरे को आप डाल रहे हैं वो स्रोत के पास है, ऊष्मा ले लिया, फिर उस ऊष्मा को अगले वाले को पहुंचाएगा, अगला वाला अगले वाले को पहुंचाएगा क्योंकि ऊष्मा की सुचालक है वो छड़ लोहे की, है ना। ये ऊष्मा का जो ऊष्मा के जो सुचालक होते हैं उन्हीं में ये जो कंडक्शन चालन विधि है वो पाती है। तांबे की छड़ है, लोहे की छड़ है, एल्यूमिनियम की है, जस्ते की है, जितनी भी धातुएं हैं वो सभी ऊष्मा की सुचालक होती हैं। तो ऊष्मा प्राप्त करके वो अपने समीप वाले कण को देती है, वो वाले कण ऊष्मा को एब्जॉर्ब करते हैं, आगे पहुंचा देते हैं ऊष्मा, कुछ ऊष्मा को एब्जॉर्ब भी करते हैं, कुछ को आगे पहुंचा देते हैं, कुछ ऊष्मा सतह से क्षय हो जाती है। जो सतह पे कण है जब ऊष्मा प्राप्त करेंगे
तो वह चूंकि वायुमंडल के संपर्क में है तो कुछ ऊष्मा सतह से वायुमंडल में चली जाती है, कुछ वो स्वयं एब्जॉर्ब करते हैं, जो बची रहती है ऊष्मा वो आगे बढ़ा देते हैं, फिर वो वाला खुद आगे बढ़ा देगा। इसीलिए तो हर स्टेप पर क्या होता है, ताप गिरता जाता है, लेकिन वो ऊष्मा की मात्रा आगे पहुंचती जाती है, ऊष्मा पहुंच जाती है। इसमें क्या है कि स्रोत स्थिर है, प्राप्त करने वाले कण भी स्थिर है, लेकिन संपर्क में दोनों एक दूसरे के हैं, स्रोत और कण संपर्क में है। विकिरण में क्या है, स्रोत अलग दूरी पर है और जो प्राप्त करने वाले कण है वो अलग दूरी पर है, लेकिन ऊष्मा तब भी बिना किसी माध्यम के, माध्यम बीच में हो तो भी पहुंच सकती है ऊष्मा, माध्यम बीच में ना हो तो भी पहुंच सकती है ऊष्मा। ऐसी विधि जो होती है वह विकिरण विधि कहलाती है ऊष्मा संचरण की, जिसके लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता होती भी है नहीं भी होती है, मतलब जैसे अगर ना हो तो भी पहुंच जाएगी, कहने का मतलब माध्यम अवश्य हो ऐसा जरूरी नहीं है, माध्यम जो है रहेगा तो भी ऊष्मा पहुंच जाएगी, नहीं रहेगा तो तब भी ऊष्मा पहुंच जाएगी, ऐसी विधि कहलाती है विकिरण विधि। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप जानते होंगे, सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है हमको विकिरण विधि के माध्यम से। सूर्य हमसे लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर स्थित है, लेकिन फिर भी वहां से किरणें चलती हैं, तो बीच में निर्वात है, कोई वायु नहीं है, फिर वायु भी है, ओजोन लेयर भी है, तरह तरह की गैसें हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, धूल के कण है, बहुत सारे हैं। उसके होती हुई ऊष्मा केवल क्षोभ मंडल तक ही तो वायुमंडल है, उसके बाद तो निर्वात ही है, तो निर्वात में भी वो गति कर ले रहा है, वायुमंडल में भी गति कर ले रहा है ना। तो ऐसी जो विधि होती है वो कहलाती है रेडिएशन या विकिरण विधि कहलाती है, इसमें माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप आग को जला देते हैं, दूर अंगीठी जलती रहती है, आप यहां पहुंच करके आराम से आप उसको सेक लेते हैं, है ना, ऊष्मा प्राप्त कर लेते हैं, गर्मी महसूस कर लेते हैं, क्यों, वहां से ऊष्मा यहां तक पहुंचती है। तो वो विधि कौन सी है, विकिरण विधि, न तो चालन विधि है और न ही संवहन विधि है, वह एक एकमात्र कौन सी विधि है, विकिरण विधि है। इन तीनों विधियों का अंतर आप एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, है ना। जैसे पूरा एक कमरा भरा हुआ है ना, पूरा कमरा भरा हुआ है और पूरे कमरे में चाक का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, चाक का टुकड़ा है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना हमको है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक जो किनारे वाला आदमी है उसी को चाक देते जाए, है ना, एक आदमी को दे, वो अपने आगे वाले को दे, वो अपने आगे वाले को, ऐसे होते होते पहुंच जाए किनारे पहुंच जाएगा वो, है ना, एक एक उसको देते जाएंगे, है ना, हम केवल इसी एक को देंगे, वो बढ़ाते बढ़ाते पहुंच जाएगा। ये विधि चालक हो गई, हम मैं भी अपने स्थान पर हूं, ये भी एक के संपर्क में हूं और बाकी अपना पहुंच जा रहा है, ये हो गया चालन विधि। दूसरी विधि सिंपल सी कन्वेक्शन है, मैं अपने स्थान पर बैठा हुआ हूं, जिसका काम होगा वो स्रोत खुद ही, स्रोत के पास खुद ही आएगा, प्राप्त करने वाला कण आएगा, चाप लेके जाएगा, आएगा चाप लेके जाएगा, है ना, तब भी पहुंच जाएगा। और तीसरी विधि क्या है, मैं यही चाक सबको यहीं से फेंक दू, ऐसे, है ना, सबके पास ऐसे देख करके फेंक दू चाक, सब लोग अपना चाक पा जाएंगे, किसी को आने जरूरत नहीं है न जाने जरूरत है। तो तीसरी विधि कौन सी हो गई, रेडिएशन। तो आप आसानी से इन तीनों विधियों में अंतर जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। और भी अंतर बहुत सारे हैं, यह जो है ठोस में होता है, यह द्रव और गैसों में होता है, इसमें माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसमें ऊष्मा संचरण में मार्ग जो है टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, संवहन में मार्ग टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, विकिरण में मार्ग सीधा बिल्कुल होता है, ऊष्मा सीधे रास्ते से जाती है, इसमें अलग रास्ते नहीं जाती है। तो इस तरह से कई अंतर हैं, वो आप पूरा पढ़ लेंगे जब तो जान जाएंगे तीनों विधियों में क्या बोलूं अंतर है। अब हम पहले आते हैं चालन पर, पहले हम आते हैं चालन पर। देखिए चालन के बारे में आपको पहले बताया गया कि चालन ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें ऊष्मा स्रोत अपने स्थान पर स्थिर रहते हुए ऊष्मा प्राप्त करने वाले कणों को ऊष्मा देता है और वह कण ऊष्मा अपने समीपवर्ती या निकटवर्ती कणों को देते जाते हैं और इस प्रकार से ऊष्मा पूरे पदार्थ में फैलती चली जाती है, सबको मिल जाती है। मान लीजिए यह एक छड़ है, इस छड़ की लंबाई है यल, यल लंबाई की छड़ है और इसके
वृत्तीय सिरे का जो क्षेत्रफल है वो ए है, ए जो है इसके वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल है, यल इसकी मूल लंबाई है, ठीक है। ऊष्मा का संचरण इस क्षण में होगा कब, जबकि इसके एक सिरे का ताप ऊंचा होगा। जाहिर सी बात है अगर इसको आप ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा तो आप केवल इसी एक सिरे को देंगे, इसका तापमान थीटा वन मान लीजिए, ऊंचा तापमान होगा, इसका तापमान ऊंचा होगा थीटा वन मान लीजिए। जब यहां पर सभी कणों को ऊष्मा मिल जाएगी, ठीक है, ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर ध्यान दीजिएगा, इस पृष्ठ के सभी कणों को मिलेगी ऊष्मा, उसके बाद ऊष्मा इस पृष्ठ से आगे बढ़ेगी, तो आगे वाला एक पृष्ठ मान लीजिए, यहां पर अज्यूम करिए एक पृष्ठ आगे है, यहां पर जो है वो ऊष्मा पहुंचेगी, है ना, फिर यहां के से आगे ऊष्मा, यहां पर सभी कणों का जो तापमान है, इस पृष्ठ की बात कर रहा हूं जो लंबवत पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर स्थित सभी कणों का तापमान बराबर होगा, उसके बाद ऊष्मा और आगे बढ़ेगी, आगे अगला पृष्ठ यहां पर होगा, इस पृष्ठ पर भी जितने भी कण रहेंगे सबका तापमान बराबर होगा, और ऐसे पहुंचते पहुंचते आप अंतिम पृष्ठ पर आ जाएंगे, इसका तापमान मान लीजिए थीटा टू है, इसका तापमान थीटा वन है और इसका तापमान क्या है थीटा टू, थीटा वन और थीटा टू में डिफरेंस रहेगा, और यह डिफरेंस जो है ग्रेजुअली होता है, मतलब क्रमिक रूप से होता है, जैसे इसका तापमान 100 है और इसका तापमान 50 है, तो इसका तापमान 100 से जब घटेगा तो क्रम से घटेगा, 100 के बाद घटेगा तो यहां 98 होगा, फिर यहां पर 94 होगा, फिर 90 होगा, 85 होगा, 80 होगा, घटते घटते तब जाके 50 पर आएगा, तो क्रमिक रूप से घटेगा। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन आपको पहले बता चुके हैं हम, कि जब ऊष्मा आगे वाले कणों को मिलती है तो कुछ ऊष्मा वो खुद एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, अपनी अपना तापमान बढ़ाएंगे, जब उनका तापमान एक पर्याप्त लेवल तक बढ़ जाएगा, उनके पास ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता और नहीं रह जाएगी, तब ऊष्मा वो अपने बगल वाले कणों को देंगे, और कुछ ऊष्मा की मात्रा जो है जो उसकी सतह वायुमंडल के संपर्क में है, कुछ ऊष्मा वहां से क्षय हो जाती है। तो कहने का मतलब कि आप क्रम से आगे बढ़ेंगे तो अलग अलग जगहों पर जो यहां पर ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठ है, ये तीसरा पृष्ठ है, सभी पृष्ठ जो आपके हैं इनका तापमान अलग अलग होता है। जैसे इसका तापमान अगर मान लीजिए 85 है तो इसका तापमान 75 होगा, इसका 65 होगा, और आगे ऐसे तापमान डिफरेंस होगा, अलग अलग होगा, लेकिन इस पृष्ठ पर स्थित जो भी कण है उनका तापमान एक समान होगा। तो ऐसे सभी पृष्ठ जिनका जिन पर स्थित सभी कणों का तापमान एक समान होता है उनको तो हम समतापी पृष्ठ कहते हैं, ऐसे पृष्ठ को हम बोलते हैं समतापी पृष्ठ, समतापी पृष्ठ, ऐसे पृष्ठ जिन पर स्थित सभी कणों का तापमान एक समान हो उनको समतापी पृष्ठ कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ध्यान दीजिएगा, जब यहां से कण आगे बढ़ता है तो यह कुछ ऊष्मा ग्रहण किया और आगे बढ़ा दिया ऊष्मा की मात्रा को, फिर ऊष्मा यहां से उसको और मिल रही है, फिर ऊष्मा ग्रहण करेगा आगे बढ़ा देगा, ठीक है, फिर ऊष्मा ये वाला क्या करेगा, ये वाला पृष्ठ ऊष्मा आगे बढ़ा देगा, फिर ये ऊष्मा कुछ पाएगा उसमें से कुछ ऊष्मा ग्रहण करेगा फिर ये आगे बढ़ा देगा, ऐसे ऊष्मा का संचरण इस पूरी क्षण में होता रहता है। ध्यान दीजिएगा, इस पूरी क्षण में ऊष्मा का संचरण होते रहता है, इस पृष्ठ को मिलेगी ऊष्मा, इसको मिलेगी, इसको मिलेगी, ऐसे ऊष्मा मिलती जाएगी इसको, कुछ देर तक जब लगातार आप ऊष्मा देते जाएंगे तो अब इस पृष्ठ के पास ऊष्मा और ग्रहण करने की क्षमता खुद नहीं है, अब यह खुद ऊष्मा और नहीं ग्रहण कर पाएगा, जो भी पाएगा पूरा का पूरा आगे भेज देगा, यहां पहुंचेगा, यह कुछ देर तक ऊष्मा ग्रहण करेगा, जब इसकी क्षमता खत्म हो जाएगी तो यह भी ऊष्मा जो पाएगा उसको आगे भेज देगा, जब यह भी ऊष्मा आगे भेजेगा तो यहां पहुंचेगी, यह भी ऊष्मा काफी देर तक लेगा, जब ऊष्मा ग्रहण करके एकदम तृप्त हो जाएगा फिर आगे भेज देगा, ऐसे होते होते यहां तक पहुंच जाएगा, यह भी ऊष्मा काफी देर तक लेगा, उसके बाद अगले वाले कण को देगा अगर रहेगा तो, नहीं तो वायुमंडल में ऊष्मा जाएगी। तो ऐसी अवस्था जिसमें इस चालक पर स्थित प्रत्येक पृष्ठ का तापमान स्थिर हो जाता है अर्थात नहीं बढ़ता,
जबकि ऊष्मा उसको प्राप्त होती रहती है, ऊष्मा की मात्रा प्राप्त होती रहती है, उसके बाद भी उस पृष्ठ का ताप अब और नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि वह ऊष्मा ग्रहण नहीं कर सकता है, ऊष्मा की मात्रा को वो आगे बढ़ा दे रहा है। ऐसी अवस्था को हम कहते हैं अस्थाई अवस्था। इस अवस्था को हम बोलते हैं अस्थाई अवस्था। एक चीज ध्यान देना है, अस्थाई अवस्था में प्रत्येक पृष्ठ का ताप अलग अलग होता है लेकिन स्थिर होता है, स्थिर रहेगा, जो भी रहेगा स्थिर रहेगा। इसका तापमान अगर 75 है तो 75 स्थिर रहेगा। तो अस्थाई अवस्था में तापमान प्रत्येक पृष्ठ का अलग अलग होता है लेकिन स्थिर होता है। ऐसे बहुत गंभीर क्वेश्चन पूछा था, अक्सर पूछते हैं कि किसी चालक में ऊष्मा प्रवाह की दशा में अस्थाई अवस्था में नंबर एक प्रत्येक पृष्ठ का ताप अलग अलग होता है और परिवर्तित होता रहता है, प्रत्येक पृष्ठ का ताप एक समान रहता है और स्थिर रहता है, प्रत्येक पृष्ठ का तापमान स्थिर रहता है लेकिन परिवर्तनशील, ऐसे चार विकल्प बना देंगे, ठीक है ना। तो आप इसको याद रखिएगा कि अस्थाई अवस्था है, इसका मतलब प्रत्येक पृष्ठ का ताप एक समान नहीं होता, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। अस्थाई अवस्था है इसका मतलब प्रत्येक पृष्ठ का तापमान एक समान नहीं होगा, अलग अलग तापमान होगा प्रत्येक पृष्ठ का, लेकिन जो भी होगा वो स्थिर बना रहेगा, उसमें कमी नहीं आएगी। एक चीज तो अस्थाई अवस्था क्या है आप समझ गए होंगे, प्रत्येक पृष्ठ का तापमान स्थिर रहता है लेकिन अलग अलग रहता है। समतापी पृष्ठ आप समझ गए होंगे, ऐसा पृष्ठ जिसके जिस पर स्थिर प्रत्येक बिंदु का तापमान एक समान होता है वो आपका समतापी पृष्ठ होता है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों पृष्ठों के तापमान में, जैसे मान लीजिए ये आपका तापमान है थीटा, इस पृष्ठ का तापमान है थीटा, आप इसके आगे बढ़ेंगे तो तापमान में जरूर कुछ कमी आएगी। उस तापमान में कमी अगर डेल्टा थीटा है तो इस पृष्ठ का तापमान हो जाएगा थीटा माइनस डेल्टा थीटा, थीटा माइनस डेल्टा थीटा, ठीक है। तो थीटा माइनस डेल्टा थीटा ये आप इसको देख ही रहे हैं, थीटा माइनस डेल्टा थीटा ये अंतिम तापमान है इस पृष्ठ का है और थीटा इसका तापमान है। अगर इन दोनों पृष्ठों के ताप में अंतर पूछा जाए आपसे तो आप कहेंगे थीटा माइनस डेल्टा थीटा ये तापमान हो गया बाद वाले पृष्ठ का, माइनस पहले वाले पृष्ठ का तापमान है थीटा, दोनों डिफरेंस हो गया आपका इतना, डिवाइड बाई दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, यल अगर है तो यल, डेल्टा एल डेल्टा जो भी है इसी को हम कहेंगे माइनस डेल्टा डेल्टा थीटा मान डेल्टा एल, इसी को हम बोलेंगे ताप प्रवणता। इसकी परिभाषा भी आप लिख लीजिए, देखो ताप प्रवणता परिभाषा आप लिख लीजिए, ताप प्रवणता क्या चीज है, ठीक है ना। ताप प्रवणता क्या है, दूरी के सापेक्ष दो समतापी पृष्ठों के बीच, दो समतापी पृष्ठों के बीच ताप परिवर्तन की दर को